किसके लिए मिले हैं? देखो हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं। आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो। लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूँ। इसी संसद की जब नींव रखा गया था, इस नया भवन की जब नींव रखा गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था। आप भी आदरणीय अध्यक्ष जी उपस्थित थे, आप भी मंच पे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश विश्व में प्रजातंत्र के बारे में कई धारणा है, भारत प्रजातंत्र की जननी है। भारत में कब प्रजातंत्र के बारे में सोचा गया? तमिलनाडु की तंजावुर के पास 4th century में। उन दिनों में पंचायत व्यवस्था कैसे रहेगी, और पंचायत में अगर कोई प्रतिनिधि को, कोई चुने हुए व्यक्ति को कुछ गड़बड़ी किया, निकालना कैसा है, उसकी भी SOP उस शिलालेख में लिखा गया था। ये मेरे भारत की सभ्यता है, यही अध्यक्ष जी मेरा आइडियोलॉजी है, इसी को लेकर मैं गौरव कर रहा हूँ। दूसरी बात रहा महिलाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में कहा गया, अध्यक्ष जी मैं जिस प्रांत से आता हूँ वो मेरा महाप्रभु की प्रांत है, मेरा परिचय महाप्रभु जगन्नाथ है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी महालक्ष्मी है। 1500 में महालक्ष्मी माँ महालक्ष्मी ने एक लोक कथा में है, महाप्रभु जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई जात पात की बात की है। महालक्ष्मी जी को पसंद नहीं हुई, महालक्ष्मी किचन के इंचार्ज थे, वो घर छोड़ गए, किचन बंद कर दिया, उनको भूखो रहना पड़ा। फिर जाके माफी मांगा, महाप्रभु ने माफी मांगा अपनी धर्मपत्नी को, माफ करो हम जात पात की बात नहीं करेंगे। ये 1500 में मेरे वहां के फिलोसोफर बलराम दास जी ने लिखा है, मेरे सभ्यता में महिलाओं का महिमा मंडन, मैं तो अर्धा नारीश्वर का पूजक हूँ सब। मैं महाप्रभु शिव भगवान की, यहाँ तो ईशान भगवान की फोटो दिखाया गया था, तभी ठीक संबित पात्र ने भी याद दिलाया था, महा शिव भगवान की आधे पार्वती है आधे शिव जी है। इसकी अर्थ मेरा सभ्यता अर्ध नारीश्वर को पूजा करता है, और मैं सर यही मेरा आइडियोलॉजी है, और उसमें कोई विषय में, कोई विषय में ये किसी की अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी इस सदन में, इस सदन में शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हुए ये कहा गया कि यहाँ आपको बाद में पता चला, नो देश के लिए मिले हैं। देखो हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो। देश को आगे ले जाने के लिए हम किसी के हमारी भाई, आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है, मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है, हम ऐसे बिरादरी के लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आदरणीय लालजी वर्मा साहब, आप बोलिए। ओबीसी जी कहा था लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं। सर सर हम घूमते यही तो सदन है,